नमस्कार। योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे शवासन पर। नाम से ही लगता है शव, शव का मतलब मुर्दा। हम अपने शरीर को ऐसा कर देते हैं जैसे हमारा शरीर बिल्कुल मृत्युत हो गया हो। नाम तो शवासन है पर इसमें इतना आनंद आता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज होने पर हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसी प्रकार अगर आप 10 से 15 मिनट शवासन कर लें, आप कितने भी थके हुए हों, 10 से 15 मिनट में 4 घंटे के लिए वापस रिचार्ज हो जाते हैं। वापस आपके शरीर में एक एनर्जी, एक स्फूर्ति आ जाती है। आइए सीखते हैं शवासन को किस प्रकार किया जाए। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला, पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ, हथेलियां बगल में, हथेलियों का रुख आकाश की तरफ, अंगुलियां सामान्य, आधी बंद आधी खुली, जैसे निंद्रा अवस्था में रहती हैं। कंधे को रोल करें, सीने को थोड़ा चौड़ा कर कंधे को रिलैक्स छोड़ दें। अपने बटक्स को थोड़ा सा हिला दें और कमर वाले भाग को एडजस्ट कर दें। गर्दन की मांसपेशियों को बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद, चेहरे में कोई भी तनाव नहीं। बाहर के चीज़ों से, बाहर के विचारों से मन को हटाकर सारा ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित कर दें। शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। एक दो बातों का विशेष ध्यान रखें। किसी भी हालात में चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी आँखों को नहीं खोलेंगे। दूसरी बात, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार आसन में आने के बाद हम अपने हाथ पैरों को नहीं हिलाएंगे। हाथ पैरों को इतना ढीला छोड़ दीजिएगा, इतना ढीला छोड़ दीजिएगा, कोई शब्द हमारे पास नहीं है। पूरी तरह रिलैक्स आपका शरीर। जैसे बर्फ के टुकड़े को बाहर रखने से धीरे धीरे पिघलकर पानी में बदल जाता है, उसी प्रकार अपने शरीर को भी पिघलता हुआ, शिथिल होता हुआ महसूस करिएगा। जैसे बर्फ के टुकड़े को बाहर रखने से पिघलकर पानी में बदल जाता है, ठीक उसी प्रकार अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिएगा, शिथिल छोड़ दीजिएगा। मैं आपके शरीर के जिस अंग का नाम लूं, आप अपना पूरा ध्यान वहां पर केंद्रित कर दें और उस भाग को बिल्कुल मृत्युत होता हुआ महसूस करें। जैसे दाहिने पैर के पंजे से दाहिने पैर के जंघा तक अपने दाहिने पैर को देखिएगा और उसे पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। जब आपका दाहिना पैर पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, आपका ध्यान आपके बाएं पैर पर, बाएं पैर को भी पूरी तरह रिलैक्स, जैसे दाहिने को रिलैक्स छोड़ा था। अब चाह के भी आप दोनों पैरों को नहीं हिला सकते क्योंकि दोनों पैर पूरी तरह मृत्युत हो चुके हैं। जब आपके दोनों पैर पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, आपका ध्यान आपके दाहिने हाथ पर, दाहिने हाथ की उंगलियों से लेकर कंधे तक और कंधे से लेकर उंगलियों तक पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दें, कंप्लीटली रिलैक्स। जब आपका दाहिना हाथ पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, आपके बाएं हाथ को भी देखें, उसे भी पूरी तरह रिलैक्स होने दें। दोनों हाथ और दोनों पैर बिल्कुल मृत्युत हो चुके हैं, आप चाह करके भी उसे नहीं हिला सकते, इतना रिलैक्स।
जब आपके दोनों हाथ दोनों पैर पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं, आप आ जाइएगा धड़ में। आपका छाती, आपका पेट, आपका कमर पूरी तरह रिलैक्स। कमर, कमर से नीचे का भाग, पीठ, दोनों कंधे और गर्दन पूरी तरह से रिलैक्स, जैसे जान ही नहीं है। जब पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं, आपका धड़, दोनों हाथ दोनों पैर, हम आ जाएंगे गर्दन पर, उसे भी पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दें। जब पूरी तरह रिलैक्स होने के बाद कंसंट्रेट करें अपने चिन, मुख, नाक, गाल, दोनों आँखें, मस्तक, दोनों कान और सिर पर, उसे भी पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दें। आपका पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। आप चाह के भी अपने शरीर को नहीं ला सकते। धीरे धीरे महसूस करिएगा आपकी हार्ट बीट्स बंद होती जा रही हैं, आपके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया, आपका लीवर, किडनी, स्टमक, जो अंदर के अंदरूनी अंग हैं, उन्होंने भी अपना काम बंद कर दिया और आप पूरी तरह से मृतवत हो गए हैं। आप पूरी तरह से मृतवत हो गए, इस शरीर से बाहर आ जाएं और देखें, अरे ये मेरा शरीर मृतवत है। इस हॉल से बाहर निकल जाएं, खुले आकाश में उड़ते जाएं, उड़ते जाएं, उड़ते जाएं, बादलों के बीच में, नदी नालों के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से उड़ते जाएं, उड़ते जाएं, उड़ते जाएं, उड़ते जाएं। धीरे धीरे उड़ते उड़ते वापस आ जाएं इसी हॉल में, अपने शरीर में, अपने शरीर में प्रवेश करें। स्मूथली हाथों की उंगलियों को हिलाएं, जैसे आपके शरीर में जीवन का संचार हो रहा हो। धीरे से पैरों की उंगलियों को हिलाएं, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे आपके शरीर में नया जीवन आपको मिल गया हो। देखिएगा अपने शरीर को, आपका हार्ट बीट वापस चल रहा है, मस्तिष्क ने वापस काम करने लगा, आपके शरीर के ऑर्गन्स सुचारू रूप से काम करने लगे हैं। उसे देखें, स्मूथली बाएं करवट ले लें, बाएं हाथ का तकिया बना लीजिएगा, धीरे से टर्न योर अनदर साइड, दूसरी तरफ करवट ले लीजिएगा, धीरे से बैठ जाएं अपनी जगह पर, धीरे से बैठ जाएं, दोनों हाथों को धीरे धीरे मसलें, स्मूथली धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करिएगा, हथेलियों को मुंदी हुई आंखों के पलकों पर रखें, अपनी आंखों का मसाज करें, अपने शरीर पर हाथ को फेर दें, स्मूथली आंखें खोल दीजिएगा। ये हुआ शवासन। फील कर सकते हैं अपने आप को तरोताजा, जैसे सुबह सुबह गहरी नींद के बाद आप उठे हों। दर्शकों, आज हमने शवासन के बारे में जाना। शवासन वैसे तो लगभग एक घंटा होता है, इसी प्रकार अगर आप नियमित एक घंटा अभ्यास करते हैं तो हमारे मानसिक जितने भी समस्याएं हैं वो सही हो जाते हैं। जिन्हें अनिद्रा की समस्या है, इनको हाई ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन है या तनाव है, उन लोगों के लिए शवासन बहुत ही अच्छा है, मैं कह सकता हूँ उनमें रामबाण का काम करता है। और आजकल के लाइफस्टाइल में जब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता, और विशेषकर एग्जाम्स के दिन में या हम बहुत थक जाते हैं, उस दौरान आप 10 से 15 मिनट शवासन करके वापस से फुर्तीले और ताजगी भरे हो सकते हैं। दर्शकों, आज हमने शवासन के बारे में जाना।
हम फिर हाजिर होंगे नए आसन और प्राणायाम को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।